ट्रायपॉड खराब. Thank you.
तो ये बोल देना, मैं बोल भी देता हूँ उनको, मैसेज भी कर देता हूँ कि सर दो आई हैव आस्क्ड फॉर, बट आई सी सर कितनी 24 09 PIDG ऑफिस से, तो 7-9 को NOC आ गया है कि कोई दिक्कत नहीं करते। दूसरा काठोड़े वाली जो बड़ू माता वाला है, तो उसमें पेपर तैयार हो गए सारे। इसका सर ये फाइल्स में ये सक्स निकाला हुआ है सर, यही में कोई शिफ्ट इसका सक्स तो निकाला हुआ है सर। तीन जगह है ना सर, मुशी की जगह है सर ये, तो मुशी का जो हमने जो 549 में है, 13 और 16 में हमने आई टी सेक्टर है वहाँ पर, तो वो ऑलरेडी वो भी उनके पास 6 हेक्टेयर है, 25 हेक्टेयर, 8 हेक्टेयर का 25 एकड़ में हाँ, तो उतना तो मिल जाएगा वो बोल रहे थे। उसमें से अब तक जो है ऑलरेडी इससे पता चलेगा ना कि पहले वाला कौन है, बाद वाला कौन है, एप्लीकेशन क्यों पेंडिंग है उसका, जिसका भी रहेगा वो सभी आ जाएंगे। सो और इसके पहले जो दिए गए हैं उसके बारे में भी आप कुछ छानबीन कर सकते हैं? नहीं, जब तक उससे कुछ गलत नहीं होता हम छानबीन नहीं कर सकते, ठीक है। उससे कुछ अगर उस पेपर से कुछ गलत काम नहीं हुआ तभी हम छानबीन कर सकते। मार्केटमध्ये आज पण मी सर्वे केले, स्वतःहून जाऊन बघितले, तिथे आम्ही जे आहे रॅपिड अँटीजेन टेस्ट करून घेत होतो आणि ज्या त्यापैकी जे लोक पॉझिटिव्ह मिळत होते त्यांना आयसोलेशन सेंटरमध्ये पाठवत होतो, पण जे कोविड केअर सेंटरमध्ये। पण मला एक गोष्ट आवर्जून कळालेली आहे की मार्केटमध्ये 7 से 11 जे वेळ आहे त्यामध्ये अनेक लोक तिथेच फिरत राहतात, त्यांना फिरण्याची जागा समजून घेतात, तर त्यामुळे आम्ही त्याच्यासाठी कलम 42 मुंबई पोलीस ॲक्टप्रमाणे रेग्युलेशनचा आदेश काढलेले आहे आणि त्याच अनुषंगाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचे आयुक्त साहेबांना निवेदन दिलेले आहे की ते फाईन सुनिश्चित करतील। जर दिलेल्या वेळात जे नियंत्रित लोक जे टप्पेटप्पेमध्ये आतमध्ये जाणार आहे ते सामान विकत घेऊन बाहेर नाही आले आणि तिथेच फिरत राहिले तर याचा परिणाम हा रोगराई आणखीन पसरेल, महामारी आणखीन पसरेल, त्यामुळे त्याच्यासाठी हा नियोजन टोकन सिस्टम उद्यापासून सुरू करणार आहोत, जेवढे मोठे भाजी फळचे मार्केट आहे। दुसरा महत्त्वाचा विषय आहे की आता